हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो गुरुजी। दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के हाल ही में लॉन्च हुए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S23 के बारे में। आपको बता दें फ्रेंड्स, S23 को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और इसकी बिक्री बहुत ही जल्दी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जो डेट दिया गया अमेजोन पे 23 फरवरी से स्मार्टफोन की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको यह बताएंगे कि यह स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों, अगर आप एक मौजूदा ग्राहक है S22 के, तो आपको यह स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको इस एक कंपेयर के जरिए आपको बताएंगे। बिल्कुल दोनों स्मार्टफोन को एंड टू एंड कंपेरिजन करेंगे और दोनों में सभी डिटेल आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं, सभी स्पेसिफिकेशन डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आपको ऐसी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपेयर करेंगे दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को। डिस्प्ले में दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, डिस्प्ले में आपको दोनों में डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। तो इसमें भी दोनों का रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आता है। डिस्प्ले की साइज की बात कर लें तो डिस्प्ले की साइज दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम है, 6.1 इंच की डिस्प्ले की साइज है। बाकी प्रोटेक्शन दोनों में बिल्कुल सेम है, बैक प्रोटेक्शन भी बिल्कुल सेम है। कॉरिनिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 का सपोर्ट दिया गया है। बात करें इसके चिपसेट की, तो फ्रेंड्स चिपसेट में S23 थोड़ा सा आगे जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का चिपसेट मिलने वाला है, पहले 8 Gen 1 का था। GPU की बात करें तो GPU में भी दोस्तों बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों में आपको एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों का रिजल्ट इक्वल है। मेमोरी की बात करें तो दोनों के स्मार्टफोन को 8 GB रैम में लॉन्च किया गया है, तो इसमें भी जो रिजल्ट है बिल्कुल इक्वल है। बात करते हैं स्टोरेज की, तो दोनों को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 128 GB रैम और 256 GB रैम, तो इसमें बिल्कुल इक्वल रिजल्ट है। मेमोरी स्लॉट आपको दोनों में से किसी में भी नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ भी रिजल्ट इक्वल हो जाता है। अब बात करें कैमरा की, तो कैमरा में दोस्तों बिल्कुल सा भी फर्क नहीं, बस कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, जो बम्प था उसको हटा दिया गया है। S22 का मेन कैमरे की बात करें तो 50 MP का मेन कैमरा है, 10 MP का टेलीफोटो सेंसर और 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर लगाया गया है। अब बात करें सैमसंग गैलेक्सी S22 के कैमरे के बारे में, तो बिल्कुल भी सेम है दोस्तों, बस कैमरा का थोड़ा सा मॉड्यूल अलग कर दिया गया है। इसमें भी आपको 50 MP का अल्ट्रा मेन सेंसर दिया गया है, 10 MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है और 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। तो कैमरे में कोई भी फर्क नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कुछ भी आपको इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल सेम है दोस्तों, दोनों में आपको 8K का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में आपको एक में 12 MP का मिलेगा और दूसरे में 10 MP का कैमरा दिया गया है। बैटरी में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है फ्रेंड्स, इसमें आपको S23 में 3900 mAh की बैटरी मिलेगी और S22 में 3700 mAh की बैटरी थी। फास्ट चार्जिंग की बात करें, दोनों में 25 W की फास्ट चार्जिंग दी गई है, तो इसमें भी रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आता है। लेकिन दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग में पुराना वाला S22 ही जी जाता है, क्योंकि उसमें 15 W की चार्जिंग दी गई है। फीचर की बात करें, जो अनदर फीचर है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल रहा है। फेस अनलॉक तो एक कॉमन सा फीचर है, फेस अनलॉक तो रहेगा ही रहेगा। इसमें भी रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आता है। स्पीकर आपको दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, तो दोनों में आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, इसमें भी रिजल्ट इक्वल है। आपको दोनों में से किसी में भी 3.5 mm जैक नहीं मिलने वाला है। NFC का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। इसके अलावा जो कॉमन से फीचर है नेटवर्क का, नेटवर्क के मामले में दोनों ठीक है, दोनों में 5G का सपोर्ट मिलता है और दोनों डुअल बैंड 5G सपोर्ट है, मतलब दोनों में, दोनों सिम में आप 5G इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आता है। USB Type-C का सपोर्ट दोनों में है। इसके अलावा वाटरप्रूफ में IP68 की रेटिंग S22 को भी है, S23 को भी है, इसमें भी रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आता है। कनेक्टिविटी में दोस्तों, जो कनेक्टिविटी फीचर चाहिए स्मार्टफोन में, वो सब कुछ दोनों में मिलेगा, तो इसमें भी रिजल्ट बिल्कुल इक्वल है। जो सबसे ज़्यादा फर्क है फ्रेंड्स, प्राइसिंग में। S22 जो अभी अभी लॉन्च हुआ, इसकी कीमत इंडिया में
80,000 रुपये रखी गई है। वही S22 की प्राइस 52,999 रुपये। तो रिजल्ट में दोस्तों यही आता है कि S23 जो नया लॉन्च हुआ है इसको बस 2 वोट ज़्यादा मिले, 27 लाख है, और S22 को 25 लाख मिले हैं। तो बस तो फ्रेंड्स इस कंपैरिजन से ये पता चलता है कि अगर आप पहले से S22 यूज कर रहे हैं तो आपको S23 खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।